एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जैसे हमने लास्ट पार्ट किए हैं वैसे हम यही पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन निकालेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल कितने के, 3800 के। लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स कितने के, 1750 के। हमने क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है एक बैट और एक बॉल की। इसके लिए हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट इज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ द बॉल इज वाई। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया गया, 7 बैट तो 7x हो जाएगा, 6 बॉल 6y इक्वल टू किस कितने के आए हैं, 3800 के। इसे हम मान लो 1। वैसे हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया गया है, 3 बैट 3x 5 बॉल 5y इक्वल टू कितना, 750। इसे हम मान लो सेकंड क्वेश्चन। हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 1, 7x किसके इक्वल हो जाएगा, 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसे आप करोगे पुट इन 2, जब 2 में पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 3x की जगह क्या आ जाएगा, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3800 माइनस 6y 35y आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 7 इंटू 1750 क्या होता है, 12250 होता है। उसके बाद 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11400 माइनस 3 इंटू 6 18y प्लस 35y इक्वल टू 12250। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, y एक साइड तो दूसरे एक साइड 18 माइनस 35 क्या आ जाएगा, 17y इक्वल टू इधर करेंगे 12250 को माइनस करेंगे 11400 से तो क्या आ जाएगा, 850। 17 को डिवाइड करेंगे 850 से क्या आएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा 50। अब इसे हम करेंगे पुट इन 1, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 50 3800। 7x जब ये से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 300। 38 माइनस 300 तो 7x इक्वल टू 3500। 7 से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। जो बैट की कॉस्ट है वो 500, बॉल की कितनी है, 50।